हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। कल हमने जो स्टडी करी थी बेयस थ्योरम की स्टडी करी थी, आज हम स्टडी करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। क्या होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? अगर कोई हम ट्रायल करते हैं मेनी टाइम्स, मोर टाइम्स, वन मोर टाइम, बट नॉट चेंज टू अकर द फेलियर एंड सक्सेस, इट इज कॉल्ड टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर कोई हम एन बार मान ले कोई ट्रायल करते हैं और उसकी जो है फेलियर या सक्सेस में कोई भी चेंज ना हो पाए, यानी दोनों इंडिपेंडेंट हो, फेलियर और सक्सेस दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर लेट मान लिया हम एक कॉइन को टॉस करते हैं कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए, चौथी बार आ जाए, तो पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, चौथी बार, इनमें जो है हेड या इसमें टेल आए या ना आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है चेंज नहीं हो रही। इसमें भी टेल आए ना आए, इसमें हेड आए, जब भी चेंज नहीं हो रही है प्रोबेबिलिटी, इसमें टेल ना आए तो जब भी इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई है। मान लें कि एन टाइम्स इसको एन टाइम्स कॉस्ट टॉस करा किसी, इसको कॉइन को एन टाइम्स टॉस करा, एन टाइम टॉस करने बाद इसकी सक्सेस जो है, सक्सेस क्या है, पी इसी टॉस को, और फेलियर मान ले क्यू है। सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, क्यू है। इसको एन कॉइन को टॉस करा है, कितनी बार टॉस करा है, आर बार, कितनी बार क्या है, आर इसकी जो है सक्सेस है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, दैट इज ये हो गया, ये होता है एन सी आर, इट इज टू द कॉम्बिनेशन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, दैट इज कॉल्ड टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान ले एक को 10 कॉइन है, ठीक है, इससे पहले क्या है, जो ये P और Q है, जो इनमें रिलेशन क्या होती है सक्सेस और फेलियर में, वेयर लिखेंगे, वेयर P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इसका ये फॉर्मूला है कि एन सी आर इज इक्वल टू P की पावर R Q की पावर N माइनस R। अच्छा, जैसे आर, जैसे यह पी क्या है किसी भी चीज़ की सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्यू क्या है फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, और दोनों के पी और क्यू का क्या होता है सम, वन होना चाहिए। जैसे इस तरह बना लेंगे, मान लिया कोई ठीक नहीं है, तो ये मान लिया ये तो सक्सेस है पी, ये कितनी है, ये क्या है फेलियर है, ये क्या है फेलियर है। अगर ये एन टाइम्स है, टोटल एन टाइम्स है, टोटल क्या है एन, टोटल एन है ये, अगर ये आर बार होती है सक्सेस, तो ये तो होता है एन माइनस आर, इन दोनों का सम जो है हमेशा एन ही रहेगा। ठीक, तो ये क्या आएगा, एन सी आर टी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, इस तरह ये फिगर बना लिया करेंगे। ये मान लिया सक्सेस है, ये क्या है सक्सेस है, नीचे क्या लिख लिया करेंगे, ये फेलियर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, पी एन सी आर इक्वल टू पी की पावर आर क्यू पावर आर इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ वी एक्सपेरिमेंट, इट इज द एक्सपेरिमेंट, वी इफ वी हैव द एंड टाइम ऑफ ट्रायल बट नॉट चेंज द देयर
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर दैट इज कॉल्ड टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या है, एन सी आर इक्वल टू पी की पावर आर क्यू पावर माइनस एन आर. ठीक, देखो ठीक क्या. अब क्वेश्चन है इफ इफ पी ए इक्वल टू पॉइंट फोर, इफ पी ए इक्वल टू पॉइंट फोर एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पॉइंट फिफ्टीन. पी ए इक्वल टू पी ए इक्वल टू पॉइंट फोर, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पॉइंट फिफ्टीन. Then calculate, then calculate PA A dash B dash. Union है ये, क्या ये या क्वेश्चन क्या है मेरा, गिवन है कि पी ए इक्वल टू पॉइंट फोर एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पॉइंट वन फाइव. देन कैलकुलेट पी ए ओब्लिक ए डैश यूनियन बी डैश. इट मीन्स दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट मीन्स दैट द ए डैश यूनियन बी डैश इज ऑलरेडी हैपन्ड, इज ऑलरेडी अकर. दैट इज मीन्स वी कैलकुलेट पी ए अपॉन ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, मीन्स दैट इज कैलकुलेट वी ऑलरेडी स्टडी दैट इज फार्मूला पी ए अपॉन इक्वल टू ए डैश अपॉन यू डैश इज इक्वल टू क्या गया, पी ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश अपॉन जो भी इसके नीचे आता है, जो भी इसके नीचे आता है वो इसका जो है नीचे फॉर्म रहता है. क्या आता है, पी ए यूनियन बी डैश. अच्छा ये यूनियन दे रखा है तो यहाँ फिर वो गलती है, यूनियन ही मान लो. उसको क्या मान लेंगे, यूनियन दे रखा है तो यहाँ क्या मान लेंगे, यूनियन ही मान लेंगे. अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी फिर गलती होगी, इंटरसेक्शन. ठीक ठीक है. अच्छा जी ये ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है, फिर वेन डायग्राम देख लेंगे. पहले ही बताया, मान लो एक सेट ए है एक बी है. That is, if set is A, if set is B, and it is set is A intersection B. That means A dash will be A dash will be क्या होगा, A dash का वो हिस्सा जो A में नहीं है, जो A में that is not A dash है, जो A में नहीं है सारा हिस्सा क्या कहलाता है, that is meant जो है a dash, that is meant a dash, that is called a dash. that is called a dash. जो हिस्सा a का a में नहीं है that is called to the all सारा हिस्सा you get that का a dash. similarly b dash जो हिस्सा b में नहीं है, ये बी का बी, ये बी में नहीं है दैट इज कॉल्ड टू द ऑल, ये सारा ये है बी डैश. इट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन
that is that A intersection B. अच्छा जी ठीक है, तो अब इसका क्या आ गया, पी ए, अगर यहां ये यूनियन आ रहा है तो यहां भी क्या आता है भैया, ये भी यूनियन रहना पड़ेगा यहां तो. सॉरी अगेन फिर क्वेश्चन में गलती आ गई, ये क्वेश्चन में यूनियन आता है, क्या आएगा यहां यूनियन ही कर लो, क्या आएगा ये यूनियन. ये इंटरसेक्शन है, क्या जब ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन देख लो क्या पी, सॉरी यार क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यार, पी ए ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया ठीक है, पी ए ये दोनों की इंटरसेक्शन आ जाती है और नीचे सेम मटेरियल ई आ जाता है ठीक है. अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश की क्या करनी है, इंटरसेक्शन ए से, इंटरसेक्शन ए से वो हिस्सा जो है इनमें से, तो क्या जाएगा यानी पी ए का हिस्सा, पी ए का हिस्सा जो जो है इसका मतलब क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन इसका ये और इंटरसेक्शन बी डैश और ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ ये, तो मतलब इसका ये है वो हिस्सा, ये सारा हिस्से है ए डैश बी डैश, यानी ए डैश का मतलब ये सारा जो इसमें नहीं आएंगे, बी डैश का मतलब वो हिस्सा जो बी में नहीं है, जो हिस्सा बी में नहीं है, तो ये सारा हिस्सा क्या है पी ए एक सारा इंटरसेक्शन, तो ये वही हिस्सा है जो इसमें नहीं है, इनमें ए डैश बी डैश में नहीं है, क्या आ जाएगा ये, क्या क्या कह सकते हैं, वी कैन से पी ए माइनस, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पी ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या कहलाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या कह सकते हैं, वी कैन सी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू वी नो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश या बार ठीक है, पी ए इन पी ए इंटरसेक्शन बी बार कहेंगे इक्वल हो गए, ये कहेंगे इक्वल हो गया वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैट इज इक्वल, पी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पॉइंट चार, कितनी है पॉइंट चार माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.515 अपॉन वन माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.4 में से 0.4 अपॉन 0.15 0.25 अपॉन 0.85 5 upon 17 क्या आ गया 0.5 upon 17 ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 5 upon 17. देखो भाई सवाल क्या था, एक प्रोबेबिलिटी थी PA equal to 0.4, PA intersection B क्या था, ये था कैलकुलेट था PA upon या PA oblique A intersection A dash intersection B, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑलरेडी हैपन, दैट इज ऑलरेडी अकर्ड ए डैश बी डैश, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए दैट गिवन दैट द ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ऑलरेडी हैपन, तो इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों को क्या लिख दो ऊपर इंटरसेक्शन में सेम एडिटिव ये लिख दो, ये ए डैश बी डैश, ए डैश वो होता है जो ए में नहीं है, ए में नहीं है, इट इज ऑल इज कॉल्ड टू ए डैश, सिमिलरली दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बी is called to the B dash, all remaining part is called to the B, their intersection and with the A, A के साथ ये और इसका intersection, that is means only B, that is only is called to the PA, means PA is the PA या to the PA का वो हिस्सा जो intersection B में नहीं है, यहाँ यहाँ नहीं है, ये that is called to the, it means PA intersection P A dash intersection B dash, because PA minus PA intersection B. यह नीचे क्या है पी
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का बार, ये दोनों ही कह सकते हैं। और पी इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या आता है, ये फॉर्मूला क्या आता है, वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इनकी वैल्यू रख देंगे सोल्व कर लेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फाइव अपॉन सेवन। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, फाइव अपॉन सेवन आ गई, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आगे समझा भाई, इसको उतार लो फिर इसको रब करते हैं, ठीक उतारो उसको। Pair of dice, a pair of dice, क्या क्वेश्चन है, a pair of dice throw six times getting doublet A pair of dice throw six times of getting doublet is considered success if a pair of dice throw six times getting doublet is considered success, compute the probability number फर्स्ट है नो सक्सेस, नंबर सेकंड है एग्जैक्टली वन सक्सेस, नंबर दो है, नंबर थर्ड है at least one success, fourth है at most one success। देखो भाई, एक pair of dice है जो छह बार थ्रो करे जा, क्या कह जा, छह बार थ्रो कर जाता है, उसकी क्या डबलेट, डबलेट कहें डबल, सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, कंसीडर्ड जब माना जाता है वो सक्सेस जब माना जाएगा कि इसमें डबलेट आ जाए, नहीं सेम दोनों कॉइन पे क्या, दोनों डाइस पे क्या आ जाए, सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर जैसे 3, 3, 4, 4 एटसेट्रा या 5, 5, 6, 6 सेम नंबर, दैट इज कॉल्ड 1, 1 and 2 भी ऑल्सो देयर। बट कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नो सक्सेस क्या आनी चाहिए, नो सक्सेस आना चाहिए, एग्जैक्टली वन सक्सेस आना चाहिए, एट लीस्ट वन सक्सेस आना चाहिए, एट मोस्ट वन सक्सेस। पहला क्या है नो सक्सेस है। देखो भाई, इस तरह ये बना लेंगे, छः टाइम्स है, कितने हैं, पहले एक बार वो फिर छः टाइम में कितनी होनी चाहिए, नो सक्सेस, कितनी होनी चाहिए, नो सक्सेस, जीरो तो सक्सेस होगी, जीरो तो
सक्सेस आ गई और फेलियर कितने हो जाएंगे, छह फेलियर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये छह हो जाएंगे फेलियर, छह बार करा, छह में अगर एग्जैक्टली नौ सक्सेस में जीरो तो सक्सेस हो गई और कितनी होगी छह फेलियर होगी, ठीक। अच्छा और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है भैया, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी एफ, पी एफ इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी टोटल, टोटल आउटकम कितनी होती है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगे भैया, फेयरवेल तो एक ही होगा, एक ही बार होगा यानी दोनों में जीत जाएगा वो, और कितनी है टोटल है सिक्स है, क्या है सिक्स टाइम्स कराता है, छह बार कराता है टोटल, एक इसमें कॉइनों कितनी होती हैं छह ही होती हैं, कितनी होती हैं टोटल छह, टोटल कितनी है छह और रहता है वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स या इसको सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स भी आ जाएगा, टोटल कितने आएंगे थर्टी सिक्स और टोटल यह छः अपॉन थर्टी सिक्स या क्या कर दो वन अपॉन सिक्स आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ गई वन अपॉन सिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ऑफ फेलियर मीन्स पी एफ इज इक्वल टू वन में माइनस कर देंगे वन माइनस वन बाई सिक्स कितना आ गया फाइव बाई सिक्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ गई फाइव बाई सिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ गई वन बाई सिक्स। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई वन बाई सिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गई सिक्स और जीरो सक्सेस है और क्या है ये कितनी टाइम्स ये फेलियर कितने हैं सिक्स, तो फिर वही फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर, एन सी आर, एन सी आर फॉर नो सक्सेस, फॉर फॉर नो सक्सेस, फॉर नो सक्सेस इक्वल टू एन, एन एन की वैल्यू कितनी है सिक्स टाइम, कितनी वैल्यू है ये सिक्स टाइम ही रहा सिक्स, कितनी है सक्सेस फॉर नो सक्सेस कोई सिक्स वी जीरो p की पावर r, p p कितना है वन बाई सिक्स की पावर r, r की वैल्यू कितनी है जीरो, q q की मतलब फाइव बाई सिक्स की पावर n माइनस आर सिक्स माइनस जीरो दैट इज सिक्स सी जीरो, सिक्स वी जीरो क्या आता है सिक्स वी जीरो की वैल्यू क्या आती है वन आती है सिक्स वी जीरो किसी भी क्योंकि n c जीरो, n c जीरो की वैल्यू फिर से क्या आती है वन, तो सिक्स जीरो की वैल्यू वन आ गई और वन अपॉन सिक्स की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है वी हैव द वी हैव द पावर जीरो फॉर एनी वैल्यू वी गेट वन, एन सी जीरो ऑलवेज विल बी वन, दैट इट मीन्स वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स की पावर सिक्स, दैट इज द आंसर इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द नो सक्सेस, दैट द प्रोबेबिलिटी वी हैव द नो सक्सेस इज 5 बाई सिक्स, इट मीन्स अब एग्जैक्टली वन सक्सेस, अब क्या है दूसरा क्या है एग्जैक्टली वन सक्सेस, क्या है दूसरा क्या है एग्जैक्टली वन सक्सेस, एग्जैक्टली वन सक्सेस क्या है टोटल तो सी है मान ली, एक तो सक्सेस होगी एक फेलियर होगी, पांच फेलियर होंगे ये तो सक्सेस होगी ये फेलियर हो गया, तो जब सक्सेस हो गई एक तो क्या आ जाएगा वही एनसीआर, तो क्या आ जाएगा सिक्स सी वन, सिक्स सी वन पी की पावर आर, पी कितना है प्रोबेबिलिटी सक्सेस की वन अपॉन सिक्स की पावर आर, क्यू आर कितना है वन, क्यू क्यू कितना है फाइव बाई सिक्स की पावर एन माइनस आर, एन कितना है सिक्स माइनस वन, सिक्स सी वन, सिक्स सी वन कितना होता है सिक्स, सिक्स सी वन कितना होता है सिक्स, दैट इज वी हैव एन सी वन इज इक्वल टू ऑलवेज एन, सिक्स इंटू वन बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव, वन बाई सिक्स टू सिक्स कैंसिलेशन फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव, इट मीन्स दैट द
5 by 6 की पावर 5, यानी 6 अब है एग्जैक्टली वन सक्सेस। एग्जैक्टली वन सक्सेस है तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली वन सक्सेस में क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली वन सक्सेस में क्या आ जाएगा, ये है कि एग्जैक्टली वन सक्सेस, एग्जैक्टली वन सक्सेस में क्या आ जाएगा, 6C1 एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, 6C1 आर जो है वन सक्सेस है, 1/6 की पावर एन, 5/6 की पावर 6 माइनस 1, 6 1/6 किसी भी चीज की पावर 1 होते सेम नंबर, 5/6 हमारे बन जाएगा 5, इस 6 to 6 कैंसिलेशन वी हैव 5/6 की पावर 5, दैट इज कॉल्ड टू द 5/6 की पावर 5, वी सॉल्व द प्रोबेबिलिटी टू नो सक्सेस एंड द एग्जैक्टली वन सक्सेस। अब नाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द एट लीस्ट वन सक्सेस, यानी कम से कम एक सक्सेस हो, कम से कम क्या होनी चाहिए, एक सक्सेस हो। देखो भैया ड्रॉप कर दूं भैया, थर्ड हैव एट लीस्ट वन सक्सेस, कि कम से कम एक सक्सेस हो, कम से कम क्या हो, एक सक्सेस हो, कम ये क्या तरीका है, मतलब टोटली है 6 में से एक सक्सेस है, और क्या हो सकता है, 5 फेलियर, या तो ये हो सकता है, अगर ये आए और आए, और आए तो क्या होता है, सब में प्लस आता है भाई फीलिंग, अगर और या की फीलिंग आ रही है तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है, तो ठीक, तो 6C1 ये नहीं, अब एक सक्सेस आ गया, 5 फेलियर प्लस, ये क्या हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम है ना, या ये हो सकता है, 2 सक्सेस आ सकती है, 2 सक्सेस या 4 फेलियर होंगी, 4 2 6, इन दोनों का सम जो है यही आना चाहिए 6 प्लस, ये क्या हो सकता है, 3 सक्सेस या 3 फेलियर, या प्लस क्या हो सकता है, 2 सक्सेस 4 फेलियर, या ये क्या हो सकता है, क्या क्या तीन चार चार सक्सेस 2 फेलियर, या 5 सक्सेस और 1 फेलियर, या 6 सक्सेस और 0 फेलियर, 6 के 6 ही सक्सेस आ जाए। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही एन सी आर क्यू की पावर NCR, यानी सक्सेस, मान लीजिए सक्सेस कितनी दिन आया, 1 टाइम्स, जो सक्सेस होती है कितनी बार, मान लिया हमने 1 बार, तो क्या आ गया 6C1, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 6C1 1 की पावर 6, 6C1 1 की पावर 6 की पावर 1, ये आएगा 5/6 की पावर 5, दैट इज इट मींस वी हियर वी हैव 6C2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 4 प्लस हेयर 6C3 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 3 प्लस हेयर 6C4 1/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 2 प्लस ये क्या जाएगा 6C5 1/6 की पावर 5 और 5/6 की पावर 1 प्लस क्या जाएगा ये 6C6
वन बाई सिक्स की पावर सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स की पावर सिक्स. इट मीन्स दैट इज सिक्स सी वन फाइव की पावर सिक्स पावर वन, सिक्स सी टू की पावर टू, फाइव की पावर सिक्स पावर फोर, सिक्स सी थ्री इसकी है. अब इनको सबको जो है ये कम्बिनेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको भी सोल्व कर लेंगे, इसको भी सोल्व कर लेंगे, इसको भी सोल्व करें, दैट इज ए लार्ज सोल्यूशन टू वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम वेस्टेड हेयर. तो इट मीन दैट इज ए लेंथी प्रोसेस, इट इज मीन दैट इज ए लेंथ. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा सवाल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा. तो इसके लिए फिर एक छोटा मान रखा है, अगर एट लीस्ट वन सक्सेस है, एट लीस्ट जहां से वन सक्सेस आ जाए, जहां से भी क्या जाए, एट लीस्ट एक फॉर्म. इसका दूसरा फॉर्म है शॉर्टकट मेथड करते हैं, ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन, इसको फिर इनका सम करेंगे, वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम. ठीक, तो अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, एक वो मेथड है, यहां से क्या मेथड है इसका, क्या है एट लीस्ट वन सक्सेस, क्या है एट लीस्ट वन सक्सेस, क्या है ये एट लीस्ट वन सक्सेस, क्या है एट लीस्ट वन सक्सेस. एक सक्सेस आ जाएगा, कम से कम एक सक्सेस आ जाएगा. इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल में से जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इसमें से क्या करा, नौ सक्सेस घटा दो, क्या घटा दो, जहां भी एट लीस्ट आ जाएगा, जहां भी एट लीस्ट आ जाएगा. हमेशा सीधा फॉर्मूला है, टोटल में से क्या घटा दो, नौ सक्सेस घटा दो, टोटल में से क्या घटा दो, नौ सक्सेस हो जाता है. टोटल कितनी है भैया, वन, नौ सक्सेस. ये तो सिक्स तो टोटल से नौ सक्सेस है, तो फेलियर कितने जाएंगे, सिक्स. तो एन सी आर यानी सिक्स सी सक्सेस है जीरो, एन सी आर पी की पावर आर, पी कितनी है प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, अभी कैलकुलेट करती वन बाई सिक्स की पावर जीरो की पावर फाइव बाई सिक्स की पावर एन सी आर पी की पावर आर क्यू एन माइनस आर यानी सिक्स माइनस जीरो, सिक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स जीरो जीरो क्या आता है वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई फाइव की पावर सिक्स की पावर सिक्स. इट मीन्स वन माइनस फाइव की पावर सिक्स की पावर सिक्स. इट मीन्स इट इज इजी, इट मीन्स इट इजी टू कंपेयर दिस प्रोसेस. इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, ये बड़ा लेंथी सॉल्यूशन आ गया और ये क्या है थोड़ा शॉर्ट आ गया. तो इट मीन्स इट इजी, वी हैव कैलकुलेट फाइव पावर सिक्स एंड सिक्स पावर सिक्स और ये वन में से इसको क्या करेंगे माइनस, दैट इज कॉल्ड टू द आंसर. ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे भैया, या कैलकुलेट कर दीजिए फाइव पावर सिक्स अपॉन सिक्स पावर सिक्स, वी हैव कैलकुलेट वन माइनस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इफ वी हैव चेक टू द आंसर एट द होम द सेम दैट इज सम इक्वल टू देयर वैल्यू. ठीक, जोन सा भी अच्छा करो आप, इसी को लेंथी है, लेंथी प्रॉब्लम, ये लेंथी सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो इसी से कर लेना, नहीं तो ये शॉर्टकट ये है. वहाँ ये नहीं पूछा जाए ना कि आप कौन से मेथड से करें, दैट इज वी गेट ओनली आंसर एट द पेपर. ठीक, अब है फोर्थ है एट मोस्ट वन सक्सेस. अब फोर्थ क्या है, एट मोस्ट वन सक्सेस. रब कर दूं भैया,
होता है एट मोस्ट वन सक्सेस, एट मोस्ट वन सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। फोर्थ है फोर एट मोस्ट वन सक्सेस, कि ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस आ जाएगा। एक सक्सेस का मतलब क्या होता है, यानी कि तो ये तो जीरो आ गया या एक आ गया, ज्यादा ये भी तो आ सकती है, ये ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस आ गया। मान ली सिक्स है ये, तो एक तो सक्सेस आ गया ये, और कितने फेल ले रहा है, सिक्स फेल ले रहा है, या फिर या की फीलिंग आ रही है या और की, तो क्या होती है प्लस, क्या होता है प्लस, कि फिर क्या आता है सिक्स में से वन सक्सेस आ गया और क्या आता है वन फाइव फेलियर, इन्हें दोनों को फेल, इन्हें दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। सिक्स में से जीरो सक्सेस है, सिक्स जी जीरो प्लस वन बाई सिक्स की पावर जीरो, फाइव बाई सिक्स की पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन, सिक्स सी वन वन बाई सिक्स की पावर वन, फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव। ठीक, अंडरस्टैंड। अब देखो भाई, सिक्स सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, सिक्स होती है, क्या होती है वन होती है, इसकी पावर वन क्या गया फाइव बाई सिक्स की पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन की वैल्यू सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल, क्या गया फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव, सिक्स बाई फाइव बाई की पावर फाइव। वी कैलकुलेट दैम, वी कैलकुलेट दैम, दैट इज क्या गया फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव प्लस फाइव बाई सिक्स की पावर सिक्स है की पावर फाइव, क्या आ गया ये फाइव आ गया। ठीक है भाई, अब दोनों में से एलसीएम फाइव बाई सिक्स ले लिया, फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव एलसीएम ले लिया, तो कॉमन ले लिया इनका, क्या ले लिया इनका कॉमन ले लिया, क्या आ गया फाइव बाई सिक्स की पावर, फाइव बाई सिक्स पावर वन आ जाएगा प्लस वन, तो क्या आ गया फाइव बाई सिक्स में ना फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स पावर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीप्लाई फाइव सिक्स का, सिक्स वन का सिक्स, सिक्स फाइव का क्या आ जाएगा ये सिक्स वन का सिक्स, सिक्स और फाइव इलेवन अपॉन सिक्स, दैट इज इक्वल टू इलेवन अपॉन सिक्स, और इससे सिक्स से वी हैव मल्टीप्लाई दिस फ्रॉम दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड बोलेंगे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो, वी हैव द आंसर, वी हैव द आंसर, कैलकुलेट इट और नॉट, इसको हल कर सकते हैं नहीं भाई, ठीक है इसको हल कर लेना घर से, और जो भी सोल्यूशन है वही इसका आंसर है, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अरे तो प्रॉब्लम है, ठीक है इसको रब करूं भैया। देखो क्या सवाल था ये, कि नौ सोल्यूशन भी निकाल लिया था मैंने, एक डाइक थ्रो करा था छः बार करा था कि इसमें डबलेट आ जाए, कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, नौ सक्सेस की निकाल ली, फिर क्या की निकाल ली एटली एग्जैक्टली वन सक्सेस की, फिर एटलीस्ट की, फिर क्या कही थी एटमोस्ट वन सक्सेस की निकाली है। ठीक है रब करें भैया, जब गुरु भाई
क्वेश्चन है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एन पी इक्वल टू 1/4, ये कोई प्रोबेबिलिटी गिवन है एन पी इक्वल टू 1/4 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सक्सेस इज greater than or equal to 9/10. Yeah, in a binomial distribution, if the probability at least one success is greater than or equal to 9/10. Find negative is greater. In a binomial distribution P, if the probability at least one success में, तो गिला find यह, then calculate the value of n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. क्या है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है p इक्वल टू कोई इसकी प्रोबेबिलिटी देयर की 1/4. इफ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 9/10, देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू निकालनी है. n की क्या निकालनी है भैया, वैल्यू. n की वैल्यू किससे निकालते हैं भैया, देखो भाई, फिर वही है एट लीस्ट वन, जो पीछे बताया था, किसी की भी चीज़ की एट लीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो टोटल में से 9 सक्सेस घटा दो. जो भी हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है उसे क्या मान लेते हैं, सक्सेस ही मान लेते हैं. उसे क्या मान लेते हैं, सक्सेस. और प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई भैया, यहाँ पी इक्वल टू 1/4. सक्सेस और प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, पी इक्वल टू 1/4. क्यू इक्वल टू कितनी आ गई, 1-1/4 इक्वल टू 3/4. ये तो हो गया ठीक, हो गया एट लीस्ट वन सक्सेस. फॉर्मूला क्या है, एट लीस्ट वन सक्सेस किसको क्या आ गया, टोटल में से क्या घटा देंगे, टोटल में से 9 सक्सेस घटा देंगे. ये तो फॉर्म रहता है टोटल में से, एटलीस्ट क्या है, टोटल में से 9 सक्सेस प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस घटा देंगे. ये क्या आ जाएगा, एट लीस्ट वन सक्सेस कहीं भी निकाल लो, टोटल में से 9 सक्सेस घटा देंगे. अच्छा, अगर मान लिया ये एन है और कोई भी सक्सेस ना हो, ये सक्सेस है तो फेलियर कितने आ जाएंगे, एन ही आ जाएंगे. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसी से देख के अगर सक्सेस नहीं है कोई सक्सेस, टोटल कितनी होती है प्रोबेबिलिटी 1-, कितना जाएगा ये, नो सक्सेस एन सी जीरो पी कितनी है 1/4 की पावर क्या आ गया, 0 3/4 की पावर
एन माइनस आर यानी एन माइनस जीरो, तो क्या आ गए हो वन माइनस एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, किसी भी चीज की पावर वन बाई फोर की और जीरो इसकी भी वैल्यू वन, तो क्या आ गया थ्री बाई फोर की पावर एन, थ्री बाई फोर की पावर एन, ठीक आ गया भैया। बट इट इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू नाइन बाई टेन इज ग्रेटर देन, जो प्रोबेबिलिटी है गिवन है कि इसकी नाइन बाई टेन है, इज ग्रेटर देन जो वैल्यू है इसकी क्या है नाइन बाई इज ग्रेटर देन नाइन बाई टेन इज ग्रेटर देन नाइन बाई टेन वी हैव, बट लिखेंगे वी हैव, बट वी हैव क्या रखते हैं वन माइनस थ्री बाई फोर की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन बाई टेन, वन माइनस थ्री बाई फोर की पावर एन इज ग्रेटर देन नाइन बाई टेन, इट मीन्स द वन सक्सेस इज ग्रेटर देन द इक्वल टू, इट मीन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द वन सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द इज ग्रेटर इज, इससे क्या है इससे क्या है ये बड़ी है, क्या है इससे बड़ी है ये, इफ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नाइन बाई टेन इज ग्रेटर देन द ग्रेटर देन द, अच्छा यानी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा किससे बड़ी है n बाई टेन से, जो बड़ी है n बाई टेन से बड़ी है ये, जो n बाई टेन से ये बड़ी है तो इसे इधर इसे इधर लिया मैं, तो क्या आ जाएगा ये वन माइनस थ्री बाई फोर की पावर n लेस देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन बाई टेन माइनस के वन, नाइन बाई टेन माइनस के वन, तो क्या आ गया ये क्या आ गया माइनस थ्री बाई फोर की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस ही आएगा माइनस माइनस के वन बाई टेन, टेन माइनस अब दोनों तरफ से जो है माइनस की फिर जो है दोनों तरफ क्या आ गया तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो साइन चेंज आ जाएगा, ये थ्री बाई फोर की पावर एन इज लेस देन वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन ठीक, दोनों तरफ का क्या ले लूँगा लॉग ले लूँगा, तो क्या आएगा एन लॉग थ्री बाई फोर इज इक्वल टू इन इक्वल टू लॉग वन अपॉन टेन, ये फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, क्या फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन, क्या होता है फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन, याद आया भाई ये टेन ट्वेल्थ का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या था लॉग एम मल्टीप्लिकेशन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग टेन की वैल्यू क्या होती है भैया लॉग टेन की वैल्यू क्या होती है वन, ये याद होते हैं फॉर्मूले, तो ये हो गया एन तो लॉग जीरो पे तुम एन तो लॉग 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 थ्री माइनस के लॉग फोर इज इक्वल टू, तब एज्यूम कर लेंगे बेस टेन ही है, एज्यूम क्या कर लेंगे लॉग वन माइनस के लॉग टेन, लॉग टेन ठीक है भाई, एन लॉग थ्री जू का तू माइनस लॉग फोर इज लेस देन इक्वल टू माइनस के लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है माइनस के लॉग दस माइनस के लॉग टेन, ये वैल्यू क्या आ गई एन लॉग थ्री, क्या आ गई हो एन लॉग थ्री माइनस लॉग फोर इज माइनस के वन इज इक्वल टू माइनस वन, फिर ये माइनस की इनइक्वालिटी है माइनस से दोनों तरफ से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा फिर साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये यहाँ से आ जाएगा एन लॉग
थ्री माइनस लॉग फोर, ये है ना, ये गिवन है, दोनों तरफ माइनस से थ्री मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा, क्या कर लूंगा इसमें, दोनों तरफ क्या है माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा, क्या आ जाएगा एन लॉग थ्री माइनस लॉग फोर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब एन को इसके नीचे लिया आऊंगा, क्या आ जाएगा ये एन वन अपॉन लॉग थ्री माइनस के ये आ गई, जो एन की वैल्यू जिस ग्रेटर देन होगी वन अपॉन लॉग थ्री माइनस के वन अपॉन लॉग फोर। देखो भाई सवाल क्या आता है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की 1/4 है, कि इफ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10 इज ग्रेटर 9/10 से जो भी एक चीज जो एट लीस्ट वन सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/10 से बड़ी है, तो फाइंड द कैलकुलेट द वैल्यू एन, एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एन की वैल्यू किस तरह निकालनी है हमें, कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रही पी इक्वल टू 1/4, इसकी फेलियर की निकाल लेंगे 1-1/4 इक्वल टू 3/4। ठीक, अब दे रखा है एट लीस्ट वन सक्सेस, जहाँ भी एट लीस्ट वन सक्सेस निकालनी हो इसमें टोटल में से सक्सेस ऑफ नो प्रोबेबिलिटी, कहीं भी अगर प्रोबेबिलिटी नो वन सक्सेस की निकालनी हो, एट लीस्ट वन सक्सेस की निकालनी हो तो क्या करते हैं टोटल में से नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस निकाल लेते हैं। टोटल कितनी होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है माइनस नो सक्सेस का मतलब सक्सेस कितनी होगी टोटल है एन, सक्सेस जीरो है तो फेलियर कितना हो गया एन माइनस जीरो एन, ये आ गया फार्मूला, इसको जो है इसकी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, ये किसी भी चीज़ की एन सी जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, इसकी वैल्यू वन आ गई, वन की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करके हमेशा सेम नंबर, और एन माइनस जीरो की पावर एन आ गया फिर दोनों तरफ का, लेकिन इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है कि जो हमेशा एटलीस्ट जो है 1/9/10 है, क्या है 9/10 जो है बड़ी है, क्या है इज ग्रेटर देन 9/10 इज ग्रेटर देन 9/10, फिर दोनों तरफ का क्या ले लूंगा मैं इसमें लॉग ले लिया, दोनों तरफ का क्या ले लिया लॉग ले लिया, तो लॉग m अपॉन n, ये फॉर्मूले है ये लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू लॉग m प्लस n लॉग 10, वी अज्यूम दैट द देयर इज बेस इज 10, जो लॉग 10 इज इक्वल टू 1, लॉग 1 की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई, दोनों तरफ को जो है माइनस, इधर माइनस है दोनों मल्टीप्लिकेशन करके क्या कहते हैं इफ वी मल्टीप्लाई बाई माइनस देन द इक्वलिटी विल द साइन चेंज, इट इज दैट इज इक्वल टू जीरो, इधर इज लेस देन इज ग्रेटर देन 1 और n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन लॉग 3 माइनस के अपॉन लॉग 4। ठीक है भाई, आगे बात ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है आगे बढ़े, ड्रॉप कर दूं भाई इसको, अब क्वेश्चन आगे आ रहा सुनिए भाई, कोई भी कोई एनी प्रॉब्लम फॉर एनी स्टूडेंट, सवाल है क्वेश्चन, अ ड्रिंकर्ड टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड और
बैकवर्ड क्या है, अ ड्रंकेट टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ही टेक्स द प्रोबेबिलिटी ही टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड इज अ स्टेप फॉरवर्ड इज 0.4 स्टेप इज फॉरवर्ड इज 0.4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स He is one step away from the starting point. देखो सवाल समझो, पहले सवाल में कहना क्या चाहता है। ए ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड किसे कहते हैं, जो तुमने देखा हो जो लिक्विड, जो भी कोई शराब वगैरह पी लेता है तो जो है बहकता हुआ चलता है, जैसे शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखा होगी तीने, ठीक है भाई, शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखा होगा कि वो एक कदम आगे ढलता डुलता आगे पीछे चलता है, ठीक है, शराबी की होती है। तो खैर, ए ड्रंकर्ड टेक्स स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एक जब वो पी लेता है तो नशे में क्या होता है, कभी आगे चलता है कि स्टेप, कभी क्या देता है पीछे, वो प्रायोरिटी निकालनी है, ही टेक ए स्टेप फॉरवर्ड। वो अगर प्रायोरिटी, एक फॉरवर्ड की प्रायोरिटी दे रखी है इतने 0.4, फाइंड द प्रायोरिटी निकालनी है एंड ऑफ 11 स्टेप, 11 स्टेप के चलने के बाद ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वन स्टेप वो दूर है, उसकी प्रायोरिटी निकालनी है कि वन स्टेप वो दूर है। अच्छा भाई देखो भाई, इसमें क्या है, वैसे तो ये एक सक्सेस दे रखी है, मान ली जो ये गिवन है यही सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही है, मान ली जो गिवन है सबसे आसान बात है उसको हम सक्सेस मान लेते हैं, सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ गई 0.4, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ गई हो 1 - 0.4 = 0.6। किसी भी चीज की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.4, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.6 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ गई 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ गई 0.6। अच्छा अब ये कह रहा है कि 11 स्टेप के बाद ये एक वन स्टेप अवे फ्रॉम द, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्या उसकी, मान लिया देखो ये है, यहाँ एक शराबी है, यहाँ से ऐसा हो सकता है, समझने की कोशिश करो, देखो भाई यहाँ हो सकता है ये शराबी यहाँ से चलना शुरू करा, एक स्टेप आगे चला, ठीक, लड़ खड़ा हो गया, फिर एक स्टेप और आगे चला, फिर यहाँ लड़ खड़ा आया, फिर एक स्टेप आगे चला, बैकवर्ड हो गया, फिर एक स्टेप आगे चलायो, फिर एक स्टेप बैक चलायो, फिर एक स्टेप फॉरवर्ड चला, इस तरह हो सकती है। ये यूँ कह रहा है कि एक स्टेप कभी आगे चला, कभी पीछे, कभी चला आगे, कभी पीछे। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वन स्टेप, 11 स्टेप के बाद उसकी एक स्टेप अवे होगा, एक स्टेप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक की क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। मान लिया जो मैंने फॉरवर्ड की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस है, मान लिया कितनी, मान लिया 0.4। इसके देखते हैं, अब ये देखते हैं, मान लिया इस टाइम वो यहाँ से शुरू करता है, कहाँ से शुरू करता है, वो यहाँ से शुरू करता है। अच्छा इसका एक स्टेप, 11 स्टेप के बाद वो जो है, या तो एक स्टेप ये आ सकता है, यहाँ फॉरवर्ड आ सकता है वन स्टेप, या
ये तो हो गया फॉरवर्ड, ये क्या हो गया फॉरडम, या ऐसा हो गया यहाँ की स्टेप के बाद, यहाँ इसके स्टेप के बाद एक यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है बैक में हो वन स्टेप, ये क्या हो गया बैक में, या यहाँ हो सकता है एक स्टेप यो, यहाँ से यहाँ तक कितने आए हो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है इसका बैकवर्ड, ये क्या है इसका बैकवर्ड, ये क्या है इसका फॉरवर्ड, ये वन स्टेप फॉरवर्ड है, वन स्टेप क्या है इसका बैकवर्ड है, ठीक। अच्छा इसके क्या तरीके हो सकते हैं, ये तो दो दो केस बन गए इसका, या तो वन स्टेप बैकवर्ड होगा या वन स्टेप क्या होगा फॉरवर्ड होगा। अगर इसका पहले मान लो कि वन स्टेप फॉरवर्ड है, वी हैव टू केसेस, केस इन वन, वी हैव हियर आर वी हैव टू केस, केस वन, केस वन में क्या है, केस वन में क्या है, वन स्टेप इज फॉरवर्ड, वन स्टेप इज फॉरवर्ड, वन स्टेप इज, वन स्टेप इज फॉरवर्ड, वन स्टेप इज फॉरवर्ड किस तरह हो सकता है भैया, देखो भाई टोटल कितने स्टेप हैं मेरे पास 11, टोटल कितने स्टेप हैं 11 किस तरह हो सकते हैं, 6 तो ये फॉरवर्ड जाए और 5 कितने जाए बैकवर्ड, तो एक स्टेप यही ना जाएगा, एक स्टेप कहाँ जाएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड में जाएगा, यानी एक स्टेप तो जो है सक्सेस, 5 जो है फेलियर, या यूं कह दो, ठीक है भाई। टोटल कितने आए इसमें, टोटल 11 हैं, 11 में 6 तो क्या आ गए सक्सेस और 5 कितना आ गए फेलियर, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी एम सी जीरो क्या आ जाएगी 11C6.4 की पावर 6 और 0.6 की पावर n माइनस आर एन का मतलब 11 माइनस 6 5, तो क्या आगे 11C6.4 की पावर 6 11 की पावर 5 ये आ गया, इसको जो है हम जो है वी कैन कैलकुलेट। अच्छा अब केस सेकंड में क्या आ गया, सिमिलरली इन केस सेकंड में क्या था, ये कि एक ये अभी बताया कि मैंने एक जो है बैकवर्ड आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा स्टेप, वन स्टेप बैकवर्ड, क्या था वन स्टेप बैकवर्ड होगा क्या होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 6 5 स्टेप तो फॉरवर्ड हो जाएंगे और 6 स्टेप बैकवर्ड, यानी ये तो होगा। अगर ये 11 स्टेप हैं यहाँ, ये है 11 स्टेप हैं ये, यानी कि कितना हो गया 5 स्टेप तो ये फॉरवर्ड और 6 स्टेप इसके बैकवर्ड, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 11C5 पी की वैल्यू कितनी है 1.4 की पावर 5 क्यू कितना है 0.6 की पावर 11 माइनस 5 की पावर 6। देखो भाई केस फर्स्ट के आगे स्टेप फॉरवर्ड ये आ गया, केस सेकंड कितना आ गया ये, तो दोनों की क्या क्या फीलिंग आ रही है, या तो ये या ये, अगर या की फीलिंग हो रही है या और की फीलिंग है, दोनों क्या होता है सम होता है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं दोनों का सम, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हैंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इन्हें दोनों क्या निकाल लेते हैं सम निकाल लेते हैं, किसका 11C6.4 की पावर 0.4 की पावर 6 0.4 की पावर 6 नहीं है सॉरी 0.6 की पावर 5 0.6 की पावर 5 प्लस 11C5 0.4 की पावर 5 0.4 की पावर 5 और क्या लगा 0.6 की पावर 6 दैट इज सम सम ऑफ टू प्रायोरिटी क्या आ गया। ये देखो भाई हटके शुरू करते हैं, एक ड्रंकर्ड पर्सन है
वो जो पी लेता है तो एक स्टेप आगे चलता है या एक स्टेप पीछे चलता है। प्रायोरिटी ऑफ फॉरवर्ड, प्रायोरिटी ऑफ फॉरवर्ड, प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस है 0.4 है, वो प्रायोरिटी निकालनी है 11 स्टेप के बाद। टोटल कितने स्टेप करें, 11 स्टेप के बाद, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से वन स्टेप अवे हो। तो वन स्टेप कितने तरीके से हो सकता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट के दो तरीके से हो सकते हैं। मान लिया ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ क्या है इसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अगर एक इसका यहाँ से क्या हो रहा है, एक स्टार्ट यहाँ से एक, तो या तो यहाँ सकता है वो कैम हो गया फॉरवर्ड में, क्या कहा गया फॉरवर्ड में, या कहाँ गया यो एक, कहाँ गया यो बैक में, यहाँ या तो ये फॉरवर्ड में एक आ गया, ये क्या आ गया यहाँ, ये बैक में एक पीछे आ गया। अगर यहाँ ये फॉरवर्ड में एक आ गया, फॉरवर्ड में ये एक, जब दो दो स्टेप हो गए, या तो ये फॉरवर्ड चले आएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, या गैर स्टेप के बाद यहाँ बैकवर्ड होगा। तो मैंने पहले केस ले लिया स्टेप वन स्टेप जो है वह फॉरवर्ड है, वन स्टेप फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड किससे हो सकता है, वन स्टेप, टोटल स्टेप 11 हैं, टोटल स्टेप कितने हैं 11 हैं, 11 मतलब वन किस तरह हो सकता है, 6 तो फॉरवर्ड हो और 5 कितने हो बैक। इसी तरह से और फॉरवर्ड ये बैकवर्ड किस तरह हो सकता है, 6 तो 5 तो क्या हो फॉरवर्ड हो और 6 कितने हो बैक हो, ये हो सकते हैं दोनों। तो फिर इसी तरह से ये पहले स्टेप की ये निकाल लिया मैंने, कितने निकाल लिए, वन स्टेप हो फॉरवर्ड की कितना जगह, 6 तो इसकी जो है सक्सेस है फॉरवर्ड है, 5 क्या है इसकी बैकवर्ड है, क्या आएगा 11C6 MCR P की पावर R Q माइनस R, ये आ गया। ठीक इसी तरह बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए क्या आ जाएगा, 5 जो है कितना है फॉरवर्ड है सक्सेस है, 6 क्या है इसकी फेलियर है, ये MCR P के पावर Q माइनस R, यानी 11 5 माइनस 6, ये इसे भी क्या बोल सकते हैं 11 5 माइनस 6। अब दोनों की रिक्वायर्ड पोलैरिटी दोनों की या तो ये हो या ये हो, या तो ये है या ये है, दोनों क्या निकाल सकते हैं, दोनों क्या लिखते हैं सम, यानी ये प्रोबेबिलिटी केस वन प्लस केस टू, और इसे वी कैन सोल्व दैट इज द एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर वी कैन एंड टू द पावर। ठीक ओके लेट्स निकाल लो इसको, रब करूं करो, ठीक है भाई। No, date. Next is mean of the binomial distribution. Yeah, mean of the binomial distribution. Mean of the binomial distribution is equal to NP. Mean of the binomial distribution is equal to NP. Variance of the binomial distribution. Variance of the binomial distribution is NPQ. Standard deviation is standard deviation
एन पी क्यू रूट, एन पी क्यू रूट ये फॉर्मूला है. मीन अगर मीन ओवर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एन पी है, वेरियंस ओवर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है एन पी क्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है एन पी क्यू. ठीक, अगर मैं मीन में से वेरियंस निकाल देता हूँ, मीन माइनस वेरियंस, मीन माइनस वेरियंस निकालना चाहता हूँ, मीन माइनस के वेरियंस, तो मीन का फॉर्मूला क्या है भैया एन पी, मीन की वैल्यू क्या है एन पी माइनस वेरियंस, वेरियंस की वैल्यू कितनी है एन पी क्यू. इन दोनों में से क्या कर दूंगा मैं, माइनस एन पी आ गया, वन माइनस क्यू, वन माइनस क्यू. वी हैव ऑलरेडी नो पी सक्सेस टू फेलियर दैट इज सम टू द वन, सक्सेस पोलैरिटी प्लस फेलियर पोलैरिटी इज इक्वल टू वन, यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन. तो दैट इज मीन p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से वन माइनस क्यू. पुट द वैल्यू ऑफ p हेयर, वी हैव एन पी, वन माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p, एन पी, एन पी मल्टीप्लाई p क्या है एन पी स्क्वायर, एन पी स्क्वायर, एन पी स्क्वायर मीन्स इट इज एन नंबर ऑफ टेल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, p इज ऑलवेज इज द पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एनी पोलैरिटी ऑलवेज टू द स्क्वायर. Hence we have NP square is greater than zero. NP square is greater. It means always is means is always is there variance. In a binomial distribution, mean is always is greater than to the वेरियंस, बिकॉज इट इज क्लियर टू सी हेयर इफ वी डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस, मीन माइनस वेरियंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन्स मीन इज ग्रेटर दैन वेरियंस. दैट इज द सम न्यू फॉर्मूला हैव मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी, ओके मीन ऑफ द बाइनोमियल वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एन पी क्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एन पी क्यू. इनको याद कर लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. मीन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एन पी, वेरियंस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एन पी क्यू. अगर मीन और वेरियंस पूछ लेता है कि मीन और वेरियंस क्या होता है, हमेशा मीन इज ग्रेटर दैन वेरियंस, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट कैलकुलेट. ठीक है, तो मीन में मीन माइनस वेरियंस क्या होता है हमेशा, क्या होता है हमेशा प्लस का होता है. ठीक है, आगे बढ़े भाई इसको. ठीक, अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं. क्या क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है द मीन एंड वेरियंस, द मीन एंड द वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन एंड द वेरियंस of the binomial distribution are 4 and 3 respectively find the probability getting exactly find the probability getting exactly find the
फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली क्या है सिक्स सक्सेस इनटू डिस्ट्रीब्यूशन इन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका आर थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली, आर फोर एंड थ्री, एंड थ्री मतलब फोर एंड थ्री, मीन मीन का मतलब कितना आ गया, मीन आ गया इसमें फोर रिस्पेक्टिवली एंड वेरियंस इज इक्वल टू थ्री। और फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी है कि करनी है एग्जैक्टली सिक्स सक्सेस, कितने सक्सेस, सिक्स सक्सेस में। तो अच्छा अब ये फॉर्मूला है मेरे पास, पता होता है मुझे मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है एन पी, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एन पी इज इक्वल टू कितना आ गया ये फोर, एन पी कितना आ गया ये फोर, और ये थ्री क्या है का वेरियंस, वेरियंस कितना आ गया, वेरियंस का मतलब एन पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया ये थ्री, एन पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया थ्री। तो भाई ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड इक्वेशन है, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट एन पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, एन पी एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया थ्री बाई फोर, वी हैव क्यू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड पी हैव इज इक्वल टू वन माइनस क्यू, पी इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर, इट मीन्स q इज इक्वल टू वन बाई फोर, पी इज इक्वल टू वन बाई, क्यू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, पी इज इक्वल टू वन बाई फोर, पुट द वैल्यू इन पी इन द इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव लेकिन बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट इक्वेशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन क्या जाएगा ये एन पी इज इक्वल टू फोर, तो एन एन मीन्स एन तो एन हो गया, पी की वैल्यू वन बाई फोर इज इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू क्या आएगा फोर मल्टीप्लाई फोर, एन इज इक्वल टू सिक्सटीन, एन इक्वल टू सिक्सटीन क्या आ गई है, एन की वैल्यू कितनी आ गई है सिक्सटीन आ गई, कितनी आ गई है एन की वैल्यू सिक्सटीन। अब मेरा सवाल क्या हो गया कि मीन वेरियंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और वेरियंस दे रखे थे, मीन फोर था और वेरियंस कितना था तीन, अब इनको मीन और वेरियंस का इस्तेमाल करते हुए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने एन की भी वैल्यू, एन की वैल्यू 16 निकाल ली, पी की वैल्यू 1 बाई फोर निकाल ली, ये रही पी की वैल्यू, ये रही पी की वैल्यू, एन की वैल्यू यू रही और क्यू की वैल्यू यू रही। अब सवाल हो गया इन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव एन पी क्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली सिक्स सक्सेस, सिक्स सक्सेस यानी 16 बार में से सिक्स सक्सेस है, यानी फिर वही मैं टेबल बना, वही फिगर बना लूंगा मैं, जैसे 16 है 16 में से कितनी सक्सेस है, सिक्स तो सक्सेस हो गई, सिक्स सक्सेस यानी ये फेलियर कितने हो गए 11 नहीं हाँ 10 सक्सेस हो गए, 10 फेलियर हो गए, 10 कितने 10 और 6 16 यानी कि 6 16 में से 6 कितने आ गए सक्सेस हो गए, 10 कितने हो गए फेलियर हो गए। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि एग्जैक्टली सिक्स सक्सेस, सिक्स सक्सेस का मतलब ये, तो क्या गया 16 C6 P की पावर R, P P P की वैल्यू कितनी आती है, P की वैल्यू कितनी है 1 बाई 4 की पावर R, Q Q Q की वैल्यू कितनी होती है 3 बाई 4 की पावर N माइनस R, N माइनस R 16 माइनस 6, तो क्या क्या 16 C6 1 बाई 4 की पावर 6 इंटू 3/4 की पावर 10, ठीक है वी कैलकुलेट दिस दैट इज टू द आंसर। क्या सवाल था देखो भाई, ये की है द मीन, मीन दे रखा था और वेरियंस दे रखा था और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिक्स
सक्सेस जो है इन इफ गिवन सिचुएशन में, इसमें जो है कि 11 इन की 6 सक्सेस आ जाए कि हमें इफ जो मैंने मीन और वेरिएंस के डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है भाई। अच्छा मीन दे रखा तो मीन का फॉर्मूला एनपी होता है और वेरिएंस का क्या होता है एनपीक्यू। इन दोनों को सोल्व करते हुए क्या मैं वैल्यू निकाल लूंगा, मैं एनपीक्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। पी का मतलब सक्सेस, क्यू का मतलब फेलियर। अच्छा जब एन पी यू की वैल्यू होगी फिर तो सीधा सवाल हो गया कि वी हैव द इन द गिवन बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू द वैल्यू नंबर टोटल नंबर ऑफ टाइल्स द वैल्यू ऑफ सक्सेस द वैल्यू ऑफ फेलियर वी हैव फाइंड द सिक्स सक्सेस पॉइंट इन सिक्स सक्सेस का मतलब 16 थोड़े वो टोटल हैं तो 6 तो सक्सेस हो गए। फेलियर कितने जाएंगे 10 माइनस 16 माइनस 6 कितने हो गए 10 फेलियर हो गए। तो फिर फॉर्म हो गया एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर माइनस आर इतनी 16 6 1/4 6 3/4 10 दैन वी कैलकुलेट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। ओके इट इज टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक ये बोर्ड में भी आता है और इसमें से जो है जेई में भी पूछ लेते हैं। ठीक है ओके फॉर एनी क्वेरी एनी स्टूडेंट। ठीक है नो ठीक है थैंक्स बस आज के लिए यही एंड। ठीक है थैंक्स। मैंने पहले ही बटन दबा दिया था अभी है तुम्हें की नहीं बात ही चलिए स्टॉप कर दिया क्यों कर दिया स्टॉप करो पहले कर दो स्टॉप कर दो इसी वो स्टॉप नहीं हो पाई थी मैं तो अभी मैंने पहले ही बटन दबा दिया स्टॉप कर दो।